विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे अर्ध सम मात्रिक छंद दोहा और सोठा के बारे में। कल आपने देखा कि चौपाई और रोला ये दो ऐसे छंद थे जिसमें हर चारों चरण में 16-16 मात्राएं, दूसरे में 24-24 मात्राएं, अर्थात चारों चरणों में समान होने के नाते वो सम मात्रिक छंद के उदाहरण थे। और आज हम देखेंगे जब इसमें चार चरण होते हैं और उन चारों चरणों में दो एक जैसे, बाकी दो एक जैसे, तो यहाँ पर हम अर्ध सम मात्रिक छंद दोहा के बारे में आपको सबसे पहले बताएंगे। बच्चों, आपने बिहारी का, तुलसी का, रहीम का, कबीर का बहुत सारे दोहे पढ़े होंगे और यहाँ बहुत एक चर्चित दोहा है जिसके बारे में हम प्रायः एक दूसरे से अपने विचारों की अभिव्यक्ति किया करते हैं और इसको हम कहीं भी किसी भी रूप में कक्षा में, कक्षा से बाहर और अनेक तरह से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये दोहा हमें मीठे वचन बोलने के लिए प्रेरित करता है। आइए इसको पहले हम लयबद्ध तरीके से आपको पढ़ देते हैं और कोशिश करिए आप भी गुनगुना कर पढ़िएगा तो ये उदाहरण आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा बता दें आपको। दोहा छंद, दोहे में चार चरण होते हैं और पहला और तीसरा इन दो विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। कुल मिलाकर एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। अब आप देखिए इस दोहे को लयबद्ध तरीके से कैसे हम पढ़ेंगे। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। कार समझिए, कागा काको धन हरे, कौवा छीनता नहीं और कोयल किसी को धन बांटती नहीं, बस क्या करती है, मीठे वचन सुनाए कर। कोयल मीठे वचन बोल करके जग अपनों कर ले, संसार को अपना बना लेती है, अर्थात लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बच्चों, मीठी वाणी उसी तरह से किसी के क्रोध को शांत करती है जिस तरह से उफनते हुए दूध में अगर हम ठंडे पानी के छींटे मारें तो उफनता हुआ दूध शांत हो जाता है। ठीक वही स्थिति आप देखिए इस दोहे का भी है। अब हम देखेंगे इसमें चार चरण हैं। कागा काको धन हरे पहला चरण, दूसरा कोयल काको दे। तो पहले में हम देखेंगे, मात्रा निकालेंगे तो का पर दीर्घ है तो यहाँ पर गुरु होगा, गा पर दीर्घ है तो यहाँ भी दो होगा, गुरु में होगा और फिर का से लेकर के यहाँ भी दो मात्रा। हमने तीन तीन का एक एक गण बना दिया है, जैसे माँ तारा यहाँ मगण बन जाएगा और को धन दीर्घ लघु लघु तो यहाँ भी बन जाएगा आपका काको धन हरे। यहाँ दीर्घ है, दो लघु हैं और यहाँ एक लघु है, फिर गुरु है। आप देखिएगा कि यहाँ पर पहले में दो 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 मगण हो गया और दूसरे में भगण भानस और यहाँ एक लघु, दूसरा गुरु। अब इसी तरह दूसरे चरण में आप देखिए कोयल दीर्घ लघु लघु और काको और यहाँ दे, यहाँ पर दीर्घ दीर्घ दीर्घ। अब इसकी हम काउंटिंग करके आपको बताते हैं कि एक चरण में पहले में 13 मात्राएं और तीसरे में भी 13 मात्राएं, दूसरे में और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। हम उसका परीक्षण कर लेंगे। यहाँ पर हो गया ये आपका 13 और 2-2-4, 4 और 6-10, 1-1-11, 11।
उसी तरह हम आएंगे तीसरे चरण में देखेंगे मीठे वचन सुनाए कर। मीठे यहाँ पर हम गुरु गुरु और लघु यहाँ पर तगण हो जाएगा और यहाँ पर नगण हो जाएगा, यहाँ पर आपका भगण हो जाएगा, ये है आपका लघु, और यहाँ पर नगण और यहाँ पर जगण, यहाँ भी जगण। अब इसकी मात्राएं हम देख सकते हैं, यहाँ दो दो चार एक पाँच, पाँच तीन आठ, दो दस, दो बारह और एक तेरह, तीसरे चरण में भी तेरह और चौथे में आपका नगण जगण जगण, मतलब तीन ए है और चार सात दो नौ एक दस और एक ग्यारह। तो इस तरह आपने देखा कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं परिलक्षित हुई। तो इस तरह से एक पंक्ति में पूरा देखेंगे तो 24 मात्राएं मिलेंगी, लेकिन हमको चरण के अनुसार इस पर ध्यान देना है। पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। तो ये दोहा का उदाहरण आपका, कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुनाए कर, जगे अपनों कर ले। और दूसरा इसका इसी तरह अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण बनता है सोरठा। सोरठा दोहे का जस्ट उल्टा है, आप समझिए, दोहे में पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं, लेकिन सोरठा में इसका जस्ट उल्टा कि पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में आपको 13-13 मात्राएं होती है। आइए हम देखते हैं आपका उदाहरण सोरठा का, पढ़ते हैं इसको पहले लयबद्ध तरीके से। मुख हो ही वाचा पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल द्रव सकल कलिमल दहन। अर्थात यहाँ पर उस भगवान की आराधना की गई जिसमें मूक हो ही बाचाल, जिसमें जो गूंगा है वो भी बाचाल हो जाता है, बोलने लगता है। बाचाल कहते हैं जो ज़्यादा बातें करता हो, गूंगा भी बाचाल कर सकता है, हो सकता है। पंगु चढ़े गिरिवरगन, और जो लंगड़े हैं वे भी सघन ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ सकते हैं। जासु कृपया सुदयाल, और जिसकी कृपा से इस संसार में इस कलयुग में सारे जो मल हैं, नष्ट हैं, मतलब निंदनीय उपेक्षणीय चीज़ें हैं या बुराइयां हैं, उनका अंत हो सकता है। आइए हम इनमें देखें, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में आपको 13-13 मात्राएं, दो एक का उल्टा। मूक माँ पर बड़े की मात्रा है, दीर्घ है, गुरु है, तो दो मात्रा, का में एक मात्रा, हो में दो मात्राएं, और इसी तरह से आपने देखा ही पर एक मात्रा, वाचाल में वा पर दो, गुरु है, और फिर इसके बाद यहाँ वच्चा पर भी दो मात्राएं, और ए ला सिंगल, पंगु ये अनुस्वार है, अनुस्वार लघु पर भी और दीर्घ माना जाता है। गा पर छोटा उकार है, एक मात्रा, चढ़ें यहाँ दो मात्राएं, चा का एक मात्रा और हा का दो मात्राएं हैं, और एक है आपका गिरी, और यहाँ तीनों का एक एक, तो यहाँ जिसमें तीनों लघ होता है वहाँ पर आपका गण होता है नसल नगण। और ये भी वही का उदाहरण है, और ये जगण का उदाहरण है जबान, और ये भी जबान, फिर ये हो जाता है यमाता यगण, और ये भी ये आपका बन जाएगा मातारा और भानस, फिर बन जाएगा जभान, ये मातारा जभान सा।
तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि पहले उदाहरण में मैंने पहले चरण में सुर उठा के आपका 11 मात्राएं, दूसरे चरण में आपका 13 मात्राएं, तीसरे चरण में 11 मात्राएं और चौथे चरण में आपका 13 मात्राएं। इस तरह से विषम चरणों में 11 11 और सम चरणों में आपको 13 13 मात्राएं। एकदम इसको याद करने की सुविधा कि दोहे का जस्ट उल्टा वही सुर उठा होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इन उदाहरणों को लयबद्ध तरीके से याद करेंगे और ये चिन्ह लगाकर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के दहलीज पर दस्तक अवश्य देंगे और आपकी जो सिद्ध करने की क्षमता है या सफल होने की जो क्षमता है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास करते रहिए और अभ्यास से कहते हैं रगड़ से पत्थर घिस जाता है, तो आप भी लिविंग हैं, बार बार किसी काम को करेंगे अभ्यास करेंगे तो उसमें आपको दक्षता प्राप्त होगी। मैं चाहूँगा कि अगली क्लास में फिर हम आपको चर्चा करेंगे इसमें विषम जो मात्रिक छंद हैं उनके बारे में, जैसे कुंडलियाँ इत्यादि। धन्यवाद।